दोस्तों, अगर रोज का नाश्ता खाकर बोर हो गए हो तो ये लीजिए, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कुछ अलग, बहुत ही इंटरेस्टिंग ब्रेकफास्ट की रेसिपी, जो टेस्टी और चटपटी तो है ही, पर साथ में ही उतनी ही हेल्दी भी है। बच्चों के टिफिन या ब्रेकफास्ट के लिए बिल्कुल परफेक्ट है ये। तो देर न करते हुए चलिए बनाते हैं चटपटे नमकीन डोनट्स। इनके लिए सबसे पहले एक मिक्सिंग बाउल में आधा कप बेसन लेना, आधा कप जितना ही गेहूं का आटा लेना है आपने, और साथ में ही आधा कप बारीक सूजी, जो जीरो साइज की सूजी होती है ना वो लेना, उससे डोनट्स अच्छे बनेंगे। अब इसमें कुछ ड्राई इंग्रेडिएंट्स डालेंगे, जैसे कि आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, एक छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च की पाउडर, ये ज़्यादा तीखी नहीं होती पर कलर बहुत अच्छा आता है इससे, ये है आधा चम्मच पाव भाजी मसाला, बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएगा इससे, थोड़ा सा हींग डाल देना, एक बड़ा चम्मच तिल लिए है मैंने, खाते समय जब बीच बीच में ये आते हैं ना, बहुत अच्छा स्वाद आता है। अब जाएगा स्वादानुसार नमक, और ये एक चौथाई छोटा चम्मच से भी कम, मतलब लगभग 1/8 टीस्पून बेकिंग सोडा या खाने का सोडा, और अब बस इन सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिला देना। अब मिलाने के बाद इन्हें साइड में रखकर ये देखिए, एक मध्यम आकार के प्याज को मैंने बहुत ही बारीक बारीक चॉप कर लिया है, साथ में ही धनिया पत्ती को भी बारीक कट कर लिया है। इन्हीं के साथ एक मसाला बनाने के लिए मिक्सिंग बाउल में जाएंगे कुछ अदरक के टुकड़े, लहसुन की कुछ कलियाँ, 3-4 हरी मिर्चें, आधा छोटा चम्मच जीरा, आधा छोटा चम्मच सौंफ और आधा छोटा चम्मच ही अजवाइन। बिना पानी डाले इन्हें दरदरा सा पीस लेना। ये देखिए, इस तरीके से इसे पीसने के बाद और एक चीज़ बची है, लौकी। तो लगभग 250 ग्राम लौकी का छिलका हटाकर आपने इसे इस तरीके से कद्दूकस करना है। ध्यान रखना, जानबूझकर मैंने ये स्टेप एकदम एंड में की है, क्योंकि लौकी को घिसने के बाद ये बहुत जल्दी काला पड़ जाता है, तो अच्छा रहेगा आप भी मेरी तरह इसे सबसे एंड में कद्दूकस करना। अब इन सारी चीज़ों को एक के बाद एक आटे में डाल देंगे, तो प्याज को डालने के बाद ये कई धनिया पत्ती, ये अदरक लहसुन वाला पिसा हुआ मसाला, इसे भी डाल देना, साथ में ही कद्दूकस किया हुआ लौकी भी डालना, और एक चम्मच तेल जाएगा, अच्छे से मिला देना इन सबको। दोस्तों, हमने इसमें अभी पानी नहीं डाला है, सब्जियों के मॉइस्चर का ही इस्तेमाल हम आटा गूंथने के लिए करेंगे। और अब ये देखिए, आप देख सकते हो अभी ये आटा थोड़ा सा ड्राई है, पूरी तरह से गूंथ कर नहीं हुआ है, तो मेरे पास जो थोड़ा सा कद्दूकस किया हुआ लौकी है मैं वो यूज़ करूँगी। आप चाहो तो यहाँ पर 1 से 2 चम्मच पानी का इस्तेमाल कर सकते हो। और हाँ, जब हमने इसमें प्याज और धनिया डाला ना, उसी के साथ चटपटे स्वाद के लिए इसमें आधा नींबू का रस भी डाल देना, मैं डालना भूल गई तो अभी डाल रही हूँ। तो ये अपना डो बन गया है। ध्यान रखना, हमें ऐसा ही डो चाहिए, डो को इससे ज़्यादा पतला ना करना, नहीं तो डोनट्स बनाना मुश्किल हो जाएगा। अब डोनट्स बनाने से पहले छलनी को इस तरीके से अच्छे से ग्रीस कर लेना, और अगर छलनी नहीं है आपके पास तो क्या करना है वो भी बताऊंगी मैं आपको। हाथों को भी थोड़ा सा तेल लगाना, और अब डो में से थोड़ा सा हिस्सा निकाल कर इसका बॉल बना लेंगे, और इस तरीके से उंगली से इसके बीचों बीच होल करेंगे। उंगली में थोड़ा सा तेल लगाओ तो ये आसानी से बनेगा। ये देखिए, बहुत ही गजब का लग रहा है, बच्चे तो देखकर ही पसंद करेंगे। तो इसी तरीके से सारे डोनट्स बनाकर छलनी में रख देंगे। आप चाहो तो आपका मनपसंद शेप इन्हें दे सकते हो, या फिर सिंपली इस तरीके के बड़े रोल्स बनाकर इन्हें स्टीम करके बाद में काट कर यूज़ कर सकते हो। तो ये छलनी रेडी है। इन्हें स्टीम करने के लिए मैंने पतीले में पानी गर्म करने के लिए रखा है। इसके ऊपर ये छलनी रखकर इसे अच्छे से ढक कर रखना, और अब मीडियम हाई फ्लेम पर 15 से 20 मिनट डोनट्स को अच्छे से स्टीम होने देंगे। आपके पास स्टीमर है तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो, और स्टीमर या छलनी दोनों ही नहीं है तो इडली कुकर का भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो जैसे हम इडली को स्टीम करते हैं ना,
उसी तरीके से इन मोल्ड्स को तेल लगाकर इसमें एक एक डोनट को रखकर मीडियम हाई फ्लेम पर 15 से 20 मिनट स्टीम करना। दोस्तों लगभग 20 मिनट के बाद इसे खोलकर हमने चेक किया है और ये देखिए ये छुरी में बिल्कुल भी चिपक नहीं रहा है, मतलब अच्छे से स्टीम हुआ है ये। इसीलिए ये देखिए छलनी से बहुत ही इजीली निकल रहे हैं ये। अब ये तो हो गए इडली स्टैंड वाले डोनट्स भी 20 मिनट में बहुत ही बढ़िया से स्टीम हुए हैं। चलिए अब आगे की प्रोसेस करने के लिए कढ़ाई में लगभग 1.5 बड़ा चम्मच तेल डाल देना। तेल के गर्म होने के बाद इसमें जाएगी राई, और जब राई अच्छे से चटकने लगे तब इसमें ये सूखी लाल मिर्च और कुछ करी पत्ता के पत्ते भी डाल देना। अच्छे से इन्हें भूनने के बाद इसमें 1 बड़ा चम्मच तिल डालकर तिल को लो फ्लेम पर भूनेंगे, और चटपटे स्वाद के लिए मैं इसमें 1/2 चम्मच चाट मसाला पाउडर डाल रही हूँ। अब ये सारे डोनट्स इसमें डालकर अच्छे से मिला देना इनको। अब थोड़ी देर इन्हें ऐसे फैला कर रखो तो अच्छे से भून जाएंगे डोनट्स, और फिर से इस तरीके से चम्मच से मिलाना या फिर एक एक करके पलटना, नहीं तो फिर इस तरीके से टॉस करते हुए भूनना। इन टेस्टी डोनट्स को आप हरी चटनी या टमाटो केचप के साथ सर्व कर सकते हो, पर बच्चों को आप इसे मायनीज के साथ सर्व करो तो बड़े शौक से खाएंगे वो। तो इस चटपटी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना, और कैसी लगी आपको ये कमेंट्स में हमें ज़रूर बताना। थैंक यू।